दुनिया भर में तेजी से फैल रहे मंकी पॉक्स को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि मंकी पॉक्स का प्रकोप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता करने वाला है। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि फिलहाल मंकी पॉक्स का ये प्रकोप उन पुरुषों पर केंद्रित है जो पुरुषों के साथ संबंध रखते हैं, खासकर उन लोगों के साथ जिनके कई यौन साथी हैं। WHO चीफ के मुताबिक ये एक ऐसा प्रकोप है जिसे सही रणनीतियों के साथ रोका जा सकता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कलंक और भेदभाव किसी भी वायरस जितना ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैं सामाजिक संगठनों से अपील कर रहा हूँ जिन्हें HIV से पीड़ित लोगों के साथ काम करने का अनुभव है, वो इस मंकी पॉक्स के प्रकोप से जुड़े कलंक और भेदभाव से लड़ने के लिए हमारे साथ काम करें। वहीं WHO की साउथ ईस्ट एशिया की रीजनल डायरेक्टर ने कहा कि मंकी पॉक्स के मामले पुरुषों के साथ संबंध बनाने पुरुषों वाले पर केंद्रित है। क्षेत्र निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ने कहा कि मंकी पॉक्स तेजी से उन देशों में फैल रहा है जहां इससे पहले कोई भी केस नहीं मिला था। बीमारी के ज्यादातर मामले पुरुषों के साथ संबंध रखने वाले पुरुषों पर केंद्रित है। हमारे उपाय संवेदनशील, कलंक या भेदभाव से रहित होने चाहिए। WHO ने आज दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के देशों से मंकी पॉक्स के लिए निगरानी और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को मजबूत करने का आह्वान किया। डॉक्टर खेत्रपाल सिंह ने कहा, वैश्विक स्तर पर मंकी पॉक्स का जोखिम है और इसके इंटरनेशनल प्रसार की संभावना है। इसके अलावा वायरस के बारे में अभी भी कई चीजें हमें पता नहीं है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अब तक 75 देशों में पहुंच चुका है मंकी पॉक्स। डॉक्टर ने बताया कि 75 देशों में मंकी पॉक्स के 16,000 से ज्यादा मामले सामने आए। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मंकी पॉक्स के 5 मामले सामने आए, जिनमें से 4 भारत से और 1 थाईलैंड से है। भारत में मामले उन नागरिकों के हैं जो मध्य पूर्व से लौटे हैं, हालांकि इनमें से एक मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जबकि थाईलैंड में रहने वाले एक विदेशी व्यक्ति मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया है। इस तरह के मुद्दों से और जुड़ी जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।